सो वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई तुम्हारे भाई के अंदर आ चुके एक सुपर पावर जिसके लिए मुझे मार्वल वालों की तरफ से भी ऑफर आया है। भाई ऐसी कौन सी सुपर पावर आ गई जो मार्वल वाले भी आ गए घर पे? भाई मेरे अंदर आ चुकी है बर्फ जमा देने वाली सुपर पावर। मैं जिस चीज को भी टच करूंगा वो बर्फ में जम जाएगी, जैसे मैं सचिन को टच करता हूँ। नहीं ये तो ड्रामेबाज निकला। ये थी हमारी एडिटिंग, लेकिन गाइस रियली में मैं जिस चीज को भी टच करूंगा वो बर्फ में बदल जाएगी। तो इसका एक ट्रायल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वीकर में पानी भरा हुआ है। भाई पानी है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ भाई पानी है, चेक कर सकते हो यार। हाँ भाई है तो पानी। चलो अब देखो मेरे टच करते ये पानी बर्फ में जम जाएगा। वाओ गाइस यहाँ पे हमारा पानी हो चुका है इंस्टेंटली फ्रीज। भाई ये सब देख के तो मजा आ गया यार, ऐसी सुपर पावर तो मेरे पास भी होनी चाहिए भाई। तो गाइस मेरे अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाया है इस सोडियम एसीटेट ट्राइहाइड्रेट की वजह से, क्योंकि गाइस इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने इसके सॉल्यूशन को टच किया तो एकदम से क्रिस्टल फॉर्म में जम गया। और आप लोग ये क्रिस्टल फॉर्म देख के सोच रहे होंगे कि ये ठंडा है, बट ऐसा नहीं है। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो इसमें से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है और इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा क्योंकि हमने इसको अब से काफी बार ट्राई किया और हर प्रोसेस में हमें 1 लीटर विनेगर और 500 ग्राम बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ती थी। इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करने के बाद हमने इसको प्रीमेड मंगा लिया। तो गाइस अब इसके सॉल्यूशन के साथ हम अलग अलग चीजों का एक्सपेरिमेंट करेंगे और मेरे पास यहाँ पे गोरिल्ला बॉन्ड भी है, तो इस गोरिल्ला बॉन्ड का भी इसके सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन गाइस लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रूम टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे हो रही है कड़कड़ाती धूप। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग चलेंगे अपनी लैब में। इसकी सबसे बड़ी खासियत जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो हम इसको गर्म करके फिर से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार यूज करा और फिर फेंक दिया। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी लैब में, तो हम इसके साथ अलग अलग चीजों का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले किस चीज का करें? जैसे हमने इसको टच किया तो इसने हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करके ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले इसको डालकर देखते हैं और देखेंगे कि ये इसके साथ रिएक्ट करके भी सेम रिएक्शन दे पाएगा या नहीं। आओ चलो। उससे पहले हम इसमें अलग अलग चीजों को डाल के देख लेते हैं। सो चलो तो हम लोग इसको घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं उसके भी दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये घिसा पिटा था जिसमें हम विनेगर और बेकिंग सोडा को आपस में मिलाते हैं एंड बॉइल करके सोडियम एसीटेट ट्राइहाइड्रेट बनाते हैं। और यार यूट्यूब पे ना बहुत सारी फेक वीडियोस पड़ी हैं जो कि ये दावा करती है कि आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा करके कर लोगे, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंडिंग और कॉस्टली भी है और होता भी नहीं है भाई। आप लोग कितना भी ट्राई कर लेना, मैंने ट्राई किया था नहीं हुआ। तो हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे जिसमें हमें सोडियम एसीटेट घर पे मंगा लेना है, बट उससे पहले हमें इसका रेशियो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यार ये एक्सपेरिमेंट ना बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाला है जिसमें कि अगर आप लोगों से सोडियम एसीटेट ट्राइहाइड्रेट की पानी में थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाएगा, और पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो ये आपके टच करने के बाद भी नहीं जमेगा। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट ट्राइहाइड्रेट हमें 160 ग्राम लेना है और पानी लेना है हमें 30 ग्राम। अभी मुझे मिल चुका है एक चैलेंज और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुझे अपना हाथ इस लिक्विड के अंदर देना पड़ेगा। तो यार हमें पता है जब ये क्रिस्टलाइज होता है तो इसमें से हीट निकलती है, तो क्या वो हीट मेरे हाथ को डैमेज कर पाएगी ये देखते हैं। चलो
तो यहाँ पे मेरा पूरा हाथ जम चुका है और भाई मुझे हीट महसूस हो रही है और जलन सी भी है अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को डैमेज पड़ा है अंदर हाथ में, मेरे को फील हो रहा है। और देखो कितनी पावर है भाई इसके अंदर, पूरा वेट उठ गया। बट इसके जो क्रिस्टल्स है ना, जो इसके रेसे से निकले हुए, वो मेरे हाथ में चुभ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब इस गोरिल्ला वॉन्ड को डालते हैं इस सॉल्यूशन में। तो यार गोरिल्ला बॉन्ड डालने के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जब मैंने गोरिल्ला बॉन्ड डाली तो उसमें चटरपटर की आवाज आ रही थी, बट इसका जो धुआं है ना भाई आंखों में जलन पैदा कर रहा था। और एक और एक्सपेरिमेंट है छोटा सा जो कि मैंने यूट्यूब पे काफी बार देखा है, तो उसको भी करते हैं। आ जाओ, तो गाइस हमने बना लिया है इस एक्सपेरिमेंट की मदद से अपना खुद का टावर। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।